कोई दूसरा प्रश्न पढ़िए, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया समुचित। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, एचजेएस ने बहुत कूल होकर के टू द पॉइंट आंसर लिखे। ये जितना प्रश्न अभी आपने पढ़ा है, रुचि ने जो प्रश्न पढ़ा, इसका उत्तर बमुश्किल 100 शब्दों से 125 शब्दों में बड़ी आसानी से हो सकता है। टू द पॉइंट, हाँ ये दो केसेस लिख दीजिएगा जो मैंने लिखा है, तो केस भी आ गए, थोड़ा लॉजिक भी आपने दे दिया कि क्यों रिट ज्यूरिशन को नहीं बंद कर रहे हैं। आगे पढ़िए कोई क्वेश्चन अगर हो तो। सर ए एक अभिलिखित भूमिधर उस भूमि के संदर्भ में जेड के पक्ष में वाई द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द करना चाहता है, जिस पर ए भूमिधर के रूप में अभिलिखित है। फिर से रिपीट करूं सर? हाँ रिपीट ऐसे करना है प्रवृत्ति जी सर। हाँ रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि मुझे समझ में आए। चार्ट बना लेते हैं ना, तो इस पर मैं लिखता जाऊंगा ना चार्ट बना के। हाँ बताइए सर। ए एक अभिलिखित भूमिधर है। हाँ ए एक भूमिधर है, ठीक है। और वो उस भूमि के संदर्भ में जेड के पक्ष में वाई द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द कराना चाहता है। हाँ भूमिधर ए है और एक सेल डीड किसने लिख दिया है? वाई ने। जी सर। हाँ। तो चुनौती इस आधार पर दी गई है कि उसके द्वारा विक्रय की गई भूमि में वाई का हक नहीं था। हाँ। क्या उसे दीवानी न्यायालय जाना होगा या राजस्व, और क्यों? ठीक है, उसे कहाँ जाना होगा? जी हाँ ठीक है, बताइए आप लोग ये भूमि में अधिकार से संबंधित है? धारा 5 के उपधारा 2 में क्या लिखा है? भूमि में अधिकार से संबंधित अगर वाद होगा तब। किससे संबंधित वाद है ये? भूमि में अधिकार से संबंधित, ठीक है। तो अगर भूमि में अधिकार से संबंधित है तो इस भूमि में अधिकार का निर्धारण कौन करेगा? अच्छा ये सवाल इतना ही है कि किस न्यायालय में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना है कि रेवेन्यू कोर्ट में? हाँ, इस विषय पर निर्णित विधि के संदर्भ के साथ विवेचना कीजिए। और सर इसके नीचे तुरंत ही ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4(2) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने पर उपरोक्त वाद का भविष्य क्या होगा, और तब ए के लिए क्या उपचार खुला है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये जो पहला प्रश्न आपका बना, इसके दो खंड है, यानी एक तो ये है कि शुरू में ही ये को कहां जाना होगा, सिविल कोर्ट जाएगा कि रेवेन्यू कोर्ट जाएगा, सेल डीड को वाइड करवाने इसको जाना है, ठीक है। तो भैया वकील साहब लोग जरा बताइए, तो मैं तो शिक्षक हूं, बताइए इसको वाइड कराना है, ये जो सेल डीड है विक्रय विलेख को निरस्त कराना है, तो इसके लिए कहां जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे कि रेवेन्यू कोर्ट जाएंगे? सिविल कोर्ट सर। जाएंगे पूछ रही है मैडम की बता रही है, ये सिविल कोर्ट में जाएंगे या यूपी रेवेन्यू कोर्ट का सेक्शन? एक मिनट, प्रवीण क्या बोल रहे हैं सर? ये पार्ट है ना, ये गवर्न होता है यूपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट से। कहां जाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट? सिविल कोर्ट जाएंगे सर, उसमें क्योंकि जो जो स्वामित्व से रिलेटेड बात है वो सारे के सारे सिविल कोर्ट में जाएंगे। अभी आपने क्या आगे शुरुआत में क्या कहा कि ये यूपी रेवेन्यू क्या, ऐसे कुछ आपने बोला ना? इस मामले में जो ज्यूरिडिक्शन का निर्धारण होगा ना इस फैक्ट के हिसाब से, वो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, वो सेकंड रेवेन्यू कोर्ट के अकॉर्डिंग। रेवेन्यू कोर्ट, आप ये कह रहे हैं कि ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होगा यूपी रेवेन्यू कोड से? जी। तो यूपी रेवेन्यू कोड में क्या लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट में जाएगा? जो मतलब क्या कहते हैं ओनरशिप से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो। अब मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, अपनी जानकारी के लिए कर रहा हूँ, कि आपके अनुसार यूपी रेवेन्यू कोड 2012 में, 2012 2006 है, इसका नाम क्या है?
2006 ये इतना कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि 2012 में इसको लागू किया गया था पहले, तब मैं उसको इसको पढ़ाया था उस समय, मेरे दिमाग में था 2012 आता, फिर 2016 में खूब बड़ा संशोधन हुआ, बहुत ज्यादा संशोधन किया गया, शिवपाल सिंह यादव की उपलब्धि मानी जाती है, संशोधन करवा कर सही किया, जो पहला जो मूल था वो तो इतना खराब लिखा था कि आप सोच नहीं सकते, हमारे पास ओरिजिनल भी इसका है। खैर तो ये 2006 में कहां लिखा है प्रवीण बता सकते हैं आप, उससे डिसाइड हो रहा है कहां लिखा, मुझे नहीं पता है, मैं स्वीकार कर रहा हूं मुझे नहीं पता है, मैं इसका लॉजिक दे सकता हूं बट सोर्स ऑफ लॉ मुझे नहीं पता है, मैं लॉजिक दे सकता हूं, लॉजिक देके बताऊंगा कहां जाएगा। सेक्शन 206 में लिखा है कि सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ये इसको डिसाइड किया जाएगा, कहां लिखा हुआ है, सेक्शन कौन सा है, 206 सेक्शन 206 में लिखा हुआ है जी। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप अगर आप सबके पास यूपी रेवेन्यू कोड है तो उसको देख लीजिए, और नहीं है तो मैं उसको दिखा रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा सा आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, लॉजिक मैं दूंगा कि क्यों यूपी रेवेन्यू कोड में ये लिखा गया, उसका लॉजिक मैं दूंगा, प्रोविजन आप बताएंगे, लॉजिक मैं दूंगा। अरे जो आपने प्रश्न पढ़ा है उसका पहला भाग जी सर यूपी रेवेन्यू कोड से संबंधित है, ओके सर, और उसका दूसरा भाग यूपी कंसोलिडेशन एक्ट से संबंधित है, पहले भाग का उत्तर यूपी रेवेन्यू कोड के सेक्शन 206 से देना है, जिसके साथ स्केड्यूल 2 भी पढ़ना पड़ेगा आपको, वहां से जाके मिलेगा, और थर्ड भी पढ़ना पड़ेगा, तृतीय अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय, इस अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी बात, ठीक है जी सर, इस संहिता में किसी बात के होते भी किसी अपीली पुनः निष्पादन किसी आपत्ति पर, और सर जो उसका सेकेंड वाला पार्ट है कि ए के लिए क्या उपचार खुला है, तो सर उसका क्या आंसर बनेगा, उसका आंसर यही बनेगा कि ये उसके हक से संबंधित है ना, देखिए सेक्शन पहली बात तो ये है कि ये क्यों जाएगा सिविल कोर्ट में, जो पहला उत्तर इसके दो पार्ट है, पहला उत्तर ये है कि सिविल कोर्ट में जाएगा कि रेवेन्यू कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में क्यों जा रहा है, पहले मैं इसका लॉजिक बता दूं आपको, सिविल कोर्ट में क्यों जा रहा है, रेवेन्यू कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि किसी भी लैंड को सेल करने की पावर किसकी है, जो उसका ओनर है, किसी भी लैंड को सेल करने की पावर किसकी है, जो उसका ओनर है, सपोज करिए कि अगर ये क्वेश्चन इस बात से होता कि ये जमीन आप नॉन ट्रांसफरेबल, जैसे यही पर हम एक दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं कि ये जमीन ए ने जेड को बेच दी है, ओके, और ए नॉन ट्रांसफरेबल भूमिधर था, अब सवाल बन रहा है कि वो नॉन ट्रांसफरेबल भूमिधर था कि नहीं था, इस पर मुकदमा होगा कि जेड को कोई राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ए नॉन ट्रांसफरेबल भूमिधर था, आप कहेंगे सर ये कैसे मुकदमा हो गया, देखिए कैसे हो रहा है, नॉन ट्रांसफरेबल भूमिधर जो है 10 वर्ष के बाद ट्रांसफरेबल हो जाता है, जो इसके पहले का कानून था, वर्तमान में मैं कोर्ट मुझे याद नहीं क्या लिखा हुआ, पढ़ूंगा बताऊंगा, है ना, सेक्शन 195A में मुलायम सिंह के जमाने में बात की गई थी, है ना, 5 साल है आपके पास, अच्छा आप 5 साल है, तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए को नॉन ट्रांसफरेबल भूमि दी गई, नॉन ट्रांसफरेबल दी गई, 2 वर्ष भी बीते ही थे कि ए ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया जेड को, और 3rd वर्ष ए मर गया, तो ए के मर जाने पर उसकी जमीन किसको जाएगी, वो नॉन ट्रांसफरेबल भूमिधर है, ए की जमीन किसको जाएगी, उसके उत्तराधिकारी को जाएगी जी सर, जाएगी ना, नॉन ट्रांसफरेबल भूमिधर का भी उत्तराधिकार होता है, दाह योग्य होती है, तो ए के उत्तराधिकारी को चली गई, अब ए का उत्तराधिकारी जेड के खिलाफ मुकदमा कर रहा है कि तुमको जो जमीन मेरे पिता ए ने बेची थी वो तो जब बेचे थे तब वो बेचने के लायक ही नहीं थे, और इस नाते ये विक्रय तुम्हारे पक्ष में शून्य है, ये कौन कह रहा है, ए का पुत्र एस कह रहा है, एस वर्सेस जेड का मुकदमा हुआ, ये मुकदमा कहां निर्धारित होगा, जिसमें ए
नॉन ट्रांसफरेबल भूमिधर के नाते जमीन बेचा, ये रेवेन्यू कोर्ट में होगा कि सिविल कोर्ट में होगा प्रवीण? रेवेन्यू कोर्ट में होगा क्योंकि इसमें, वेरी गुड, हाँ मनोज क्या बताए हैं? रेवेन्यू कोर्ट, वेरी गुड, ये रेवेन्यू कोर्ट में होगा। अब मैं, आप कहेंगे सर इतना उदाहरण क्यों दे दिए, ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि जो पहले वाला मुकदमा था उसको और इसमें अंतर समझ सके। जब आप रेवेन्यू लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, रेवेन्यू लॉ से आपके हक की बात हो रही है, उससे कहीं कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है, देन आप रेवेन्यू कोर्ट में जाएं। लेकिन खेत यहां किसका था? ए का, जो जो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है, खेत ए का है और बेच किसने दिया? एस ने, सॉरी वाई ने, जो पहले जो जो आपके क्वेश्चन में उसमें क्या ए का खेत है और वाई ने बेच दिया, वाई ने बेच दिया, क्या वाई का कोई उसमें हक है? नहीं सर, जो क्वेश्चन में नहीं है, नहीं। और जिसका हक नहीं है वो नहीं बेच सकता कोई चीज, हकदार हकदार ही बेच पाएगा, जिसका हक नहीं है वो नहीं बेच सकता, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये कहां से गवर्न होता है? टीपीए से, टीपीए सेक्शन 7 से, टीपीए के सेक्शन 7 में है ना जी। कोई भी व्यक्ति अंतरण तभी कर सकता है जबकि वो संविदा के लिए सक्षम हो और अंतरण ही संपत्ति के अंतरण का हकदार, ये कार्य अंतरण का हकदार नहीं है। तो यहां प्राइमरी क्वेश्चन इसके कैपेसिटी से, इसके लिए उस लीगल कैपेसिटी से है जो टीपीए से डील हो रहा है, जो उसका सिविल हक है। अब वो हक रेवेन्यू रिकॉर्ड से है या कहीं ऐसे है, कैसे, वो एक एविडेंशियल बात होगी। बेसिकली इसका सिविल राइट बेचने का है कि नहीं है ये देखा जाएगा। इनका जो जब ये बेच रहे थे नॉन ट्रांसफरेबल राइट का होकर के, तब वो रेवेन्यू राइट था कि रेवेन्यू में प्रॉपर्टी इनको देके रेवेन्यू में रोक लगाएगी बेचे कि नहीं बेच सकते, तो वो रेवेन्यू लॉ से गवर्न हो रहा था। ये नॉर्मल सिविल लॉ से गवर्न होने वाला क्वेश्चन यहां है, इस नाते इसमें सिविल कोर्ट में जाएंगे। तो पहली बात तो आप लिखेंगे कि यहां इस प्रश्न में ए के द्वारा उठाया गया जो विवाद है, जो विवाद्यक है, वह वाई के अंतरण करने की शक्ति होने अथवा न होने से है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 से शासित होता है। ओके, अतः यह सिविल न्यायालय का विषय होगा। और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 206 के अध्ययन से और केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि यह विषय इस संहिता की अनुसूची 2 में नहीं आता। अनुसूची 2 में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जो राजस्व न्यायालयों द्वारा निर्धारित होंगे, अतः यह सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारण योग्य है। आपका उत्तर पूरा, अगर इस पर कोई केस होगा तो भी डाल दीजिएगा, अन्यथा विधिक प्रावधानों का आपने उल्लेख कर दिया। अब आप आगे लिखेंगे कि परंतु अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत, फर्क क्या पड़ेगा, सवाल इस पर है, अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत फर्क इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो धारा 5 के उपधारा 2 में क्या लिखा गया है कि चाहे मामला रेवेन्यू कोर्ट में हो या सिविल कोर्ट में, अगर मामला उस भूमि से के अधिकार से संबंधित है, भूमि के अधिकार से संबंधित है, तो वह मामला वहां अबेट हो जाएगा और चला जाएगा चकबंदी न्यायालय के पास। ये वहां लिखा हुआ है। यहां मामला भूमि के अधिकार से संबंधित है कि नहीं है? जी सर, है ना। जो मैंने केस दिया था जिसमें वो माइनर था कि नहीं था, वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी थी, लेकिन यहां क्या वो हकदार है, क्या वो हक रखता था बेचने का कि नहीं, मामला इससे संबंधित है। तो इस नाते यहां ये कार्रवाई अबेट हो जाएगी और ये चले जाएगी चकबंदी डिपार्टमेंट के पास। क्या मैं सही हूं? आप लोग भी जांच सकते हैं मुझको। प्रवीण बताइए आपका क्या मत है? सर ठीक बात है आपकी, आप लोग मुझसे भिन्न मत इसलिए रख सकते हैं, मैं आपको अधिकार देता हूं और दायित्व भी है, क्योंकि एचजेएस में हम लोग जिन बातों का उत्तर करेंगे वो नितांत प्रैक्टिकल है। मैं एक लीगल कॉन्सेप्ट से बोलूंगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट में जो जजमेंट आया है जिसको आप देखे हुए हैं, हम उसके कॉन्सेप्ट तक न पहुंच पाए और हम हल थोड़ा सा पीछे रह जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि
कोर्ट नॉन कॉन्सेप्चुअल जजमेंट कर दी, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कोर्ट में जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया वहां तक अपने दिमाग को ना जोड़ पाऊं। तो इस नाते आपकी लाइबिलिटी भी बनेगी कि कोर्ट ने क्या कहा है या कभी आपने प्रैक्टिकल में क्या देखा उसको बताइएगा, जिससे कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को फिर रीएनालाइज कर सकूं। ठीक है, तो मेरी समझ से ये मामला रोक दिया जाएगा क्योंकि ज्योत के अधिकार से संबंधित है। क्यों रोक दिया जाएगा? सपोज करिए कि अगर उस सिविल न्यायालय ने डिसाइड कर दिया कि नहीं वाई इंटाइटल था वो ट्रांसफर कर सकता था, अगर इन बिटवीन इधर चकबंदी चल रही है और उधर सिविल कोर्ट ने चूंकि आपने रोका नहीं, सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ए का सूट खारिज कर दिया, जरा देखिए इसके इफेक्ट क्या पड़ेगा, जिससे कि इसको रोकना ठीक था। कोर्ट ने ए का सूट खारिज कर दिया और कहा कि नहीं भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक वाई मालिक दिख रहा है और फॉरन वाई के द्वारा जो जेड के फेवर में ट्रांसफर किया गया है इस ट्रांसफर को वैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिस पर ए की वजह से स्टे लगा हुआ था, स्टे लगने से म्यूटेशन रुका हुआ था। जब म्यूटेशन रुका हुआ था तो चकबंदी वाले अधिकारी जो चकबंदी की योजना बना रहे थे इस खेत को किसका मानकर बना रहे थे? या तो उनके रिकॉर्ड में ए का नाम रहा होगा तो ए का, वाई का नाम रहा होगा तो वाई का खेत समझ करके अपनी योजना बनाए थे कि वाई का ये खेत है, बगल में भी वाई का खेत है, एक जगह कर दिया जाए। अब कोर्ट इन बिटवीन जजमेंट दे करके इस खेत को कर दिया जेड का, तो अब चकबंदी क्रिया प्रभावित हो जाएगी नहीं जाएगी? इस नाते इसका फैसला चूंकि भूमि के अधिकार से संबंधित है इसको रोक दिया जाए जिससे चकबंदी प्रभावित हो जाएगी और उसी न्यायालय को भेज दिया। ठीक है, ये लॉजिक लगा सकते हैं। शेष तो ये मामले इतने पेचीदे हैं कि हो सकता है किसी एक विषय पर न्यायालय का मत अलग। ठीक है, किस बात की व्याख्या करेंगे आप? धारा 5 में जो लिखा है कि ऐसे मामले जिसमें उस भूमि के अधिकार या हित से संबंधित प्रश्नांतर वलित हो, द केसेस इन विच द क्वेश्चन ऑफ राइट आर इंटरेस्ट इन द लैंड इज वेस्टेड, जिसमें वो प्रश्न उत्पन्न हुआ है। अब ये निर्धारित करना कि इस मामले में वाई हकदार था कि नहीं जमीन में, कि ये का की जमीन है, क्या इस भूमि से संबंधित अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है? तो हम प्रथम दृष्टया तो यही कह सकते हैं कि यह भूमि से संबंधित अधिकार से जुड़ा प्रश्न है और यह मान लेना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर हम ये मानेंगे कि नहीं ये अधिकार से जुड़ा नहीं है, ये उसके अंतरण की क्षमता से संबंधित है, तो क्षमता भी तो संपत्ति से जनित है ना, व्यक्तिगत तो है उसकी क्षमता, संपत्ति है कि नहीं है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम धारा 5(2)(b) की व्याख्या करके कह दें इस मामले में ये सिविल मामला है लेकिन मामला भूमि के अधिकारों से संबंधित है, अतः धारा 5(2) के अनुसार यह मामला यहां से उपशमित हो जाएगा और चला जाएगा चकबंदी न्यायालय। यही उत्तर आपको लिखना उचित होगा। ठीक है जी सर, थैंक यू सर।